शिव के दरवेश चैनल विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। आशा तुसी सब ठीक होवोंगे। अज दी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होण वाली है, क्योंकि अज दी आपां इस वीडियो दे विच एक अजिही कहानी तुहाडे नाल शेयर करांगे जिहदे नाल तुहानूं अपणियां दी अहमियत दा पता लग जाएगा कि जिंदगी दे विच अपणियां दी अहमियत की है। तो दाता जी क्यों कहिंदे सी ओह गल, समां ना खराब करदे होए सिद्धा वीडियो वल चलदे आ जी। अज की यह कहानी चार दोस्तों की है। चार दोस्तों ने बारहवीं पास की, चार दोस्त बहुत ही ज़्यादा पक्के दोस्त सी। उन्होंने सोचा भी चलो बारहवीं पास की है, आप जाके पार्टी करते हैं, तो बहुत पुरानी गल है। तो उन्होंने की किया, पैसे कट्ठे किए तो किसी होटल दे विच जाके, वो होटल बहुत ही ज़्यादा पुराना सी, पर उदों उस एरिए दा वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होटल सी। ता होया कि चारे बैठे नाश्ता पानी कीता ते आपस दे विच गल्लां करन लग पए। आपस दे विच गल्लां करदे करदे एक गल तुरी कि आपां की करांगे, आपां हुण 40 साल बाद मिलांगे, 40 सालां दे विच आपां कदी नहीं मिलांगे, ते देखदे आं कौन किन्ना ग्रो करदा है। 1 जनवरी नूं आपां मिलांगे, ते जिहड़ा लेट होया ते उह बिल पे करेगा। तो चारां दे विच शर्त लग गई। जदों चारां दे विच शर्त लगी तो वह शर्त उत्थों दे जो एक कह लो जो होटल सामदा सी उन्हें भी यह शर्त सुन ली। वह आके उन्हां कोल कहिंदा कि बहुत वधिया शर्त है, मैनू भी जे इत्थे मैं रहा तो मैं भी तुहाडी इस शर्त का की नतीजा निकलदा है देखना चाहुंना। नाश्ता पानी करके वह चारों उत्थों चले गए। तो हौली हौली समा बीतिया, 40 साल बीते, 1 जनवरी आई। जदों 1 जनवरी आई तो सब तो पहला दोस्त उस होटल ते आया। उस दोस्त ने देखा कि होटल बहुत ही ज़्यादा वड्डा होटल बन चुका सी, 5-स्टार होटल दे विच वो बदल गया सी। उत्थों दा जिहड़ा वो होटल सामदा सी वो होटल दा मालक बन चुका सी, ते उन्हें मालक ने उस पहले लड़के नूं पछाण लिया कि तुसी उही हो ना जिन्होंने 40 साल पहला इत्थे शर्त लाई सी। तां वो लड़के ने भी उन्हूं पछाण लिया कि तुसी होटल ते काम करदे सी उही हो ना। तां कहिंदा हाँ, ये होटल हुण मेरा है। तां उत्थे वो बैठ गए। वो पहला जिहड़ा दोस्त सी उन्हें दसना शुरू किया कि मेरी ज्वेलरी की शॉप है, 3-4 ज्वेलरी दियां शॉपां मेरियां आपदियां ने। तां जदों दूसरा दोस्त आया उन्हें अपने दोस्त नूं बुलाया ते आपस दे विच गल्लां करन लगे। तो कहन लग्या दूसरा दोस्त कि मैं अपने पापा का बिजनेस अगे तोर रहा, मैनूं बिजनेस दे विच बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, लग्जरी गड्डी मेरे कोल है। तीसरा दोस्त आया। जदों तीसरा दोस्त आया तो उन्होंने दस्या कि अपना फूड का बिजनेस बहुत वड्डा है, फूड दे विचों आपनूं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, अपने को लग्जरी गड्डियां, घर बार बहुत ही वड्डा है। उन्हां दा चौथा दोस्त हजे तक नहीं आया सी। उस वेटर नूं जो हुण मालक बन चुका सी उन्हूं एक फोन कॉल आई कि क्या कि मैं चौथा दोस्त इन्हां दा बोलदा, तू इदां कर इन्हां नूं खाणा पाणी दे, बिल मैं अपने आप पे कर दांगा। तां उह तिन्हां ने उह जिहड़ा खाणा पाणी उत्थे शुरू कीता, ते उह वेटर जो मालक सी उन्हें कहा कि हुण इत्थे टाइम लगेगा जी उन्हां नूं आउण ते, तुसीं इदां करो रोटी पाणी छको ते होर अपनी जिहड़ी पार्टी अगे इंजॉय करो। उन्होंने पार्टी अगे इंजॉय करना शुरू कीती कि बहुत टाइम हो गया, हुण तां उहनूं आ जाणा चाहीदा सी। तां 40 साल बाद उह जदों लेट होया चौथा व्यक्ति, तां उन्होंने अपनी पार्टी इंजॉय कीती, ते जदों इंजॉय करके वह पैसे देन लगे तो वह होटल का मालक कहन लग्या कि ये बिल तो पे हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि किन्ने पे किया, तो वह कहन लग गया तुहाडे चौथे दोस्त ने। जदों वह तीनों उत्थों जान लगे तो एक गड्डी सरकारी आके होटल दे बार च रुकी, तो उहदे विचों एक व्यक्ति उतरिया, तो वह व्यक्ति उन्हां तिन्हां दोस्तां दे पैरां दे विच डिग पिया। वह तीनों कहन लग गए कि तू कौन है, तो उन्होंने दस्या कि मैं तुहाडे चौथे दोस्त का बेटा जी, पापा जी एक जिहड़े शिक्षक बन चुके सी उन्होंने मैनू इन्ना कु पढ़ाया कि मैं इस शहर का हुण कलैक्टर बन चुका, ये बिल भी मैं ही पे किया है। पापा इस करके नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने कैंसर हो चुका सी, उन्होंने सारे अरेजमेंट पहला ही करा दिते सी,
कि 1 जनवरी नूं उत्थे जाना है, हो सकदा मैं ना जावां क्योंकि मैनू कैंसर है। तो उही उन्हां नाल होई, वह इत्थे नहीं आ पाए, पर उन्होंने मैनू कहा सी कि तू उत्थे जरूर जाई तो बिल तू ही पे करी, इस करके मैं इत्थे आया। बाद दे विच वो तीनों दोस्त कहन लगे कि तुसी सानू पहला क्यों नहीं दस्या, तो वह कहन लगे कि जेकर मैं तुहानू पहला दस दिंदा तां तुहाडी पार्टी विच कोई मज़ा नहीं रहना सी, तुसी अपने दोस्त नूं ही मिस करदे रहना सी। तां वह कहिंदा कि इन्नी गल सुन के तिन्नां दोस्तां दे अखां दे विच पानी आ जांदा है, ते अपने चौथे दोस्त नूं बहुत ज़्यादा मिस करदे ने, ते कहिंदे ने कि आपां हुण 40 साल बाद नहीं हर रोज़ कदे ना कदे टाइम कढ के जरूर मिलिया करांगे, क्योंकि जिंदगी दा कोई पता नहीं किस मोड़ ते आके मुक जावे। ये कहानी उन्हां चारां दोस्तां दी नहीं, अपनी ते तुहाडी है। जिहड़े लोग अपने माँ बाप, अपने रिश्तियां दा, अपने भैन भरा नूं टाइम नहीं दिंदे, वो लोग किते भी नहीं सुखी रह पाउंदे, क्योंकि आपां नूं नहीं पता अपना किहड़ा टाइम लास्ट है, ते जदों आपां चले जाणा है आपां नूं इस गल दा जरूर पछतावा होना है कि मैं अपने माँ बाप लई टाइम नहीं कढ़िया, मैं अपने भरा लई टाइम नहीं कढ़िया। सो ये चीज़ां, क्योंकि एक मतदान, एक बेटी दान जिन्हों आप कह दें कन्यादान, ये सब तो महान दान ने, पर एक समय का दान भी आपां नूं करना चाहिए ता जो अपन दे विच प्यार बनया रहे। साईं जी भी कहिंदे ने सब तोड़न की गल करते ने, कोई जोड़न की गल करता नहीं, दिल लैके यार गरीबां दा कोई मोड़न की गल करता नहीं। सारे मिलजुल के रहो, सारे एक दूजे दे विच प्यार नाल रहो। ये सी अज दी वीडियो। जे तुहानू वीडियो चंगी लगी तो वीडियो नू लाइक करो, तो तुहाडा अपना चैनल शिवका दरवेश जरूर सबसक्राइब करो, तो बैल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करो जी, तो जो आने वाली वीडियोज़ तुहानू सब तो पहला मिल सकन। जेकर कोई वीर साडे नाल साईं जी का किस्सा साझा करना चाहुंदा है तो सानू इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकदा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।